अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। जो आज जो जो भी एक्टिविटीज रहेंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले अपना रूम आपको दिखाते हैं। ये हमारा रूम है और खूबसूरत सा बेड है और साथ जो है अलमारी है। और उसके बाद जी आपको दिखाते हैं जो हमने कबूतर रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने कबूतर तो नहीं देखे। उन्होंने बच्चे दिए हुए थे, क्योंकि मैं तो रावलपिंडी में काम करता हूं और बैरिया में, तो भाई साहब ये पीछे इनको संभाल रहे हैं। तो कह रहे थे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दूसरे घर में भी रखे हुए हैं कबूतर, क्योंकि यहाँ पे इनका जो घर है ये छोटा है, तो इसके जो है दूसरे घर में भी रखे हैं। तो लेक्सी आपको दिखाते हैं अपने कबूतर और उनके बच्चे। ये है जी व्यूअर्स, हमने कबूतर रखे हुए हैं, माशाल्लाह खुश हुए हैं, पानी में नहा रहे हैं, दाना वाना इनको डाल दिया था। तो वो देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं। तो ये पिछले हफ्ते जो है ना अंडों से बच्चे इन्होंने निकाले, और ये जो है बड़े हो गए थोड़े से। तो इनका जो है ना घर दिखाते हैं हमको। ये जी जाला हमने लगाया हुआ है। उसके बाद जी ये आपको दिखाते हैं, अंदर कोई रह तो नहीं गया, हाँ वो है ना छोटा। सॉरी ये छोटा नहीं है, जो तो मादी है, अंडे पे बैठे हुए अंडों पे। और उसके बाद जी हमने जो सब्जियां लगाई हुई आपको दिखाते हैं। जो हमने लगाई जी सब्जियां वो आपको दिखाते हैं जी, उनकी क्या सूरत हाल है। तो सीन कुछ इस तरह से, ये हमने लगाई थी जी धनिया, थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद जी मेथी इतनी अभी वो बाद में लगाई थी, जो है इतनी बड़ी नहीं हुई। उसके बाद पालक लगाई थी, ये भी थोड़ी सी निकल आई है माशाल्लाह। और घर की सब्जियों की क्या ही बात है, अपनी लगाओ ऑर्गेनिक तरीके से, जब बड़ी होगी तो आप खा पी लो। उसके बाद जी ये देखे हमने ये लगाए जी मूलियाँ और शरगम, जिसको टिप्पर और गांगलो भी कहते हैं, ये भी थोड़े बड़े हो गए हैं। नेक्स्ट हो सकता है 15 दिनों में 20 दिनों में ये भी हो सकता है तैयार हो जाए। तो जी तो हेयर बहुत बड़े हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए बाल वाल नहीं कटवाए हैं। तो चलते हैं बालवर शॉप से और आपको दिखाते हैं। साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को क्लिक कर तमाम आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलते हैं जी बार-बार शॉप से और आपको दिखाते हैं। तो ये जी किड इंटरेस्ट टू गेट, और ये रास्ता जा रहा है जी हमारे गांव का है। तो चलते हैं आप। सो व्यूअर्स, हम बार्बर शॉप पे आ गए हैं और यहाँ से करवाते हैं कटिंग। और ये है जी बार्बर शॉप और कटिंग करवा के आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? और सेहत भी ठीक है? काम हम कैसा जा रहे हैं? बाल शाल कटवाने के बाद जी लोग कैसी आई है? अच्छी आई है? आपका भाई कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है? लग रहा है। और तैयारी कर लिया साथ जुमे की नमाज की, अभी पढ़ते हैं जुमे की नमाज, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हुजूर से लेकर हजरत आदम से लेकर हुजूर की जात तक और हुजूर की जात से लेकर आज तक के लिए इनकी पूरी जमात के अंदर सादात के कबीले के अंदर कोई काफिर नहीं, सारे के सारे अल्लाह ताला के मानने वाले, तौहीद के मानने वाले, इसलिए सादात का नाम लिया जाता है।
तो जब सेब खा लिया, ख्याल आया, पेट की आग बुझ गई, ख्याल आया ये तो मैंने गलत कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया है, अब इसका अजाना करना पड़ेगा, अब इसका इसको पूछना पड़ेगा। तो मेरा मित्र तबाह है, उनसे पूछा कि ये बाप आपका है? तो उन्होंने फरमाया कि ये बाप मेरा है। फरमाया कि फला नदी के किनारे पर जो फला दरख्त है, क्या वो भी आपका है? फरमाया कि वो भी मेरा है। फरमाया आज की डेली की रूटीन आपको दिखाई है और नमाज पढ़ने के बाद भी आपसे चाहेंगे इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि चैनल हमारा नया नया है तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपने होस्ट राजा रमजान चौहान अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।